हमारा नेता कैसा हो, किसकी बनेगी सरकार, किसको दिया जाएगा वोट, हाथ जोड़े घर घर को दौड़े अपने चुनावी प्रचार को आखिरी दिशा की ओर मोड़ते हुए सभी प्रत्याशी इस चुनावी महाकुंभ में अपनी जीत के लिए लगे हुए हैं। लोगों की जुबान पर सिर्फ चुनाव की बातें हैं, वहां से वो जीतेगा, यहां से ये जीतेगा, पर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन कहां से जीतेगा। जनता का समर्थन जिसको भारी मतों से जाएगा, सत्ता की कुर्सी पर जीत के साथ लौटकर वही आएगा। बात करें भीलवाड़ा सीटों के बारे में तो ये तो तय है, हार जीत तो होनी है। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो भीलवाड़ा में मतदाताओं की संख्या 256,241 थी। 25 नवंबर 2023 को होने वाले विधानसभा चुनाव में 10% का इजाफा हुआ मतदाताओं की सूची में। 2023 के चुनावों में भीलवाड़ा से विट्ठल शंकर अवस्थी को भाजपा से टिकट दिया गया है तो कांग्रेस से ओम नारायण निवाल को टिकट दिया गया है। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो ये सीट ब्राह्मण और वैश्य बाहुल्य सीट है, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में भीलवाड़ा सीट की बागडोर किसके हाथों में होगी, भीलवाड़ा सीट की कमान कौन संभालेगा, इसका फैसला तो जनता ही तय करेगी। राजस्थान में जहाँ भाजपा से अभी तक सीएम का चेहरा क्लियर नहीं हुआ है तो कांग्रेस से सीएम खुद अपनी जीत को लेकर मैदान में है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 200 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में 154 सीटों पर कांग्रेस अपना हक जमाएगी, ऐसा कांग्रेस के समर्थकों का कहना है। वही दूसरी ओर मोदी के चेहरे पर भाजपा अपना चुनाव लड़ेगी। बात करें बीजेपी की लहर की तो बीजेपी की सबसे बड़ी तीन तिकड़ी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इन तीनों ने राजस्थान में सभाओं को संबोधित किया है और जनता से समर्थन में मत करने की अपील की है। जहां कांग्रेस की 7 गारंटियां लोगों के जहन में है तो दूसरी ओर बीजेपी की लहर है। अब देखना यह है कि लहर में गारंटियां टिकती है या गारंटी से कोई लहर ही नहीं है। ये चुनावी नतीजों के बाद तय होगा, जब परिणाम जनता के समक्ष होंगे। नमस्कार।